हे एवरीवन, क्या आपके लिए एग्जाम टाइम में फोकस मेंटेन करना डिफिकल्ट होता है? मतलब जैसे ही आप पढ़ने के लिए बैठते हैं, आप हर चीज को लेकर ओवरथिंकिंग स्टार्ट कर देते हैं। देन डोंट वरी, क्योंकि आप अकेले ही नहीं हैं जिनके साथ ये सब कुछ होता है। इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए वी विल इंट्रोड्यूस यू टू अ न्यू स्टडी मेथड। इट इज कॉल्ड पोमोडोरो टेक्निक। इस टेक्निक को 1999 में फ्रांसिस्को सिरिलो ने इन्वेंट किया था। उनका मानना था कि अगर आप बिगर टास्क को स्मॉलर वंस में ब्रेक डाउन करेंगे तो वो आपके लिए इजीली अचीवेबल बन जाएंगे। इस टेक्निक को इफेक्टिवली यूज करने के लिए ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करनी होंगे। सबसे पहले ये डिसाइड करिए कि एक दिन में आपको कितना पढ़ना है और कितने घंटे पढ़ना है। नेक्स्ट, आपको 25 टू 30 मिनट्स का टाइमर सेट करना है। दैट्स कॉल्ड वन पोमोडोरो। उसके बाद आपको ये मेक श्योर करना है कि पढ़ते टाइम आपके आसपास वाले किसी भी चीज से आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे। जैसे ही टाइमर रिंग करता है, पॉज, टेक अ ब्रेक फ्रॉम 5 टू 10 मिनट्स। एंड सबके बाद यही साइकिल आपको 4 टाइम्स रिपीट करनी है एंड देन टेक अ ब्रेक फॉर एटलीस्ट 20 मिनट्स। तो ये था पोमोडोरो स्टडी मेथड इन अ नटशेल। होप यू हैव अ ग्रेट टाइम व्हाइल स्टडी। ऐसे ही इफेक्टिव टेक्निक्स के लिए डोंट फॉरगेट टू फॉलो मेरे वन।